अस्सलामुअलैकुम सलाम फ्रॉम वैंकूवर। आज जी हम टोरंटो में हैं और इस वक्त हम जा रहे हैं यहाँ पर एक्वेरियम है रिप्लीज, बिलीव इट और नॉट, बहुत बड़ा बनाया है, बहुत फैंसी है और रिप्लीज के तो मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं। अब हम आ गए यहाँ पर, बाहर से दिखा रहे हैं आपको। पहली दफ़ा मैंने देखा है कि कचरे का डब्बा मार के, चलें अंदर की तरफ चलते हैं। रश लग रहा है यहाँ पर, लेकिन शुरू में इन्होंने तीन छोटे एग्जिबिशन सॉर्ट ऑफ एक्वेरियम टाइप के बनाए हुए छोटे से। यहाँ पर ये देखें, ये मैगलेडॉन जो है, मैगलेडॉन बिगेस्ट शार्क थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। का जो है अब मैं अपना हाथ रख के दिखाता हूँ, देखें क्या साइज है। चले आइए टिकट लेते हैं, टिकट ले लिए, अब चलते हैं अंदर की तरफ। इस फिश का तो पता नहीं नाम भी प्रोनाउंस नहीं होगा, ये नीचे जो लिखा हुआ है उसकी मैं कोशिश भी नहीं करूँगा प्रोनाउंस करने की। ये जो है हमबैक वेल का ढांचा है, ये देखें ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है हमको ग्लोब में। अब ये पता नहीं है ज़ीब्रा फिश और दूसरी फिश का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है कि नहीं है। अच्छा जी, चलें जी अंदर चलते हैं। आप ये देखें, ये मछली चीख रही है, बेचारी को प्रॉब्लम है, तकलीफ हुई है। बहुत अच्छा बनाया, अभी जब शुरू में ही है। लॉबस्टर्स आ गए, भूख लग गई लॉबस्टर्स को देख के। अभी जो है खा के आए, लेकिन अब ये मछलियों को देख देख के फ्राइड फिश और देसी खाने याद आने लगेंगे। एग्जिबिट्स लगाए हैं इन्होंने नॉर्वॉल के, तो ऐसा लग रहा है सारी नौकरी पे आई हुई हैं, जॉब पर। मछलियां एक ही तरफ देख रही है, ऊपर की तरफ बॉस की तरफ के काम दे दे। देखिए सब एक ही तरफ देख रही हैं। साइंटिफिक रीजन तो मुझे नहीं पता नेचर का क्या है, लेकिन चले जी हम नीमो के फादर मिल गए हमको। किंग क्रैब आ गए हैं, ये प्रिंस क्रैब हो गए। यहाँ पे मुझे डोरी नजर आ रही है, अभी भी लॉस्ट घूम रही है बेचारी, जीपीएस नहीं है इनके पास। देखने में नहीं लग रही है, लेकिन अच्छे खासे मेरे हाथ से भी बड़े साइज की ये मछलियाँ हैं जो गुजर रही हैं। ये टनल में इन्होंने ये सॉर्ट ऑफ रनिंग वॉक पे बनाया हुआ है मशीन से, तो पूरे टनल को आप इस तरह घूम सकते हैं। तो काफ़ी बाद में दो तीन टनल थे, दिखाते हैं आपको। लेकिन यहाँ स्टिंग रे फिश हैं और बहुत बहुत ही खूबसूरत शार्क्स हैं यहाँ पर, बे इंतहा फिश हैं। अब वीडियो छोटी करने के लिए मैं सब चीज़ें नहीं कवर कर सका, मेजर हाइलाइट्स, क्योंकि ओरिजिनल मैंने जो बनाया था वो 35-40 मिनट की वीडियो बन रही थी, पर उसको काट काट के, कट करके, एडिटिंग कर करके फिर अब ये 11 मिनट के लिए है। बहुत रश है यहाँ पर,
तो आपको पता नहीं मेरी आवाज़ आएगी नहीं आएगी। बहुत ही कामिंग लगता है अगर आप यहाँ के, यहाँ पर रश और शोर बहुत है, लेकिन किसी दिन अगर आए कम रश हो तो बहुत ही काम एंड सरीन सा इफेक्ट जो है लगता है। और मछलियों के कलर्स और लाइट उन पर जो रिफ्लेक्ट करती है बहुत अच्छी लगती है। टर्टल साहब आ गए, ये जो है ये टनल है, ये सॉर्ट ऑफ डोम बनाया हुआ है ग्लास का इन्होंने, साइड में से आके एंटर होके आप यहाँ सब देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ आ गए वापस मेन फ्लोर पे, ऊपर से एंटर हुए थे, अब खाने पीने का है तो खाने की चीज़ें लेते हैं। ये नीमो मिल गए, मगर एक नहीं काफ़ी सारे नीमो हैं। अच्छा जी, चलें टूर कंटिन्यू करते हैं। पफर फिश आ गए, ईल को बहुत ही छोटे उसमें रखा हुआ था कंपेयर से, मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न है, सारे मैथ में फेल होके आए बेचारे, मुँह लटके हुए इनके। ये बहुत फैसिनेटिंग क्रीचर था, इसका नाम मैंने कोशिश भी नहीं की प्रोनाउंस करने की, कि गॉर्जियस। शिपरेक्स के एरिया में आ गए हैं, ये प्रानाज आ गई, फिश के एरिया में आ गए हम लोग। यहाँ पर वीडियो बनाना बड़ा एक चैलेंज सा हो गया था, क्योंकि इतना रश था। अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, मैं जेली फिश दिखा दें, अब ये देखें कितना रश था। अब ये ब्लू, ये सामने स्क्रीन बना हुआ, इसके पास जाके मुझे बनानी थी। सारी मुख्तलिफ तरह की जेली फिश हैं, कुछ तो मैंने देखी भी नहीं है, जैसे लाइटेड हैं या ये ब्लैक वाली डार्क जेली फिश। एक गिफ्ट शॉप आ गई, गिफ्ट शॉप में चीज़ें तो थीं लेकिन बहुत महंगी महंगी थी। अभी प्राइसेस दिखाते हैं आपको कितनी महंगी महंगी, छोटी छोटी एक दो चीज़ें ले ली थी बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा जो है फिर गिफ्ट शॉप है सुवेनियर टाइप की, तो इसलिए ऑब्वियसली प्राइस जो है हाई होगी। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस रखी हुई थी। छोटी छोटी ज्वेलरी थी 100-102 डॉलर की। ये देखिए जी 55 रुपये की, ये 30 रुपये की छोटा सा, ये नॉर्मली जो है 8 रुपये का मिलता है। ये सही लगा है मैंने, शार्क टीथ 6-6 डॉलर के। सुवेनियर शॉप है तो ये चीज़ें तो होंगी, लेकिन काफ़ी जो है, और दो हैं, ये पहली वाली सुवेनियर शॉप है, अब इससे हम आगे जाएंगे तो एक और है। जहाँ पर ये सारा इन्होंने फिल्ट्रेशन सिस्टम का प्रोसेस बताया हुआ है, मुख्तलिफ तरह की फिश होती हैं, सी वाटर होती हैं, रिवर की होती हैं, लेक्स की, तो इन्होंने उस तरह फिल्ट्रेशन सिस्टम बड़ा बनाया हुआ है।
कि कहाँ का फिल्ट्रेशन सिस्टम कैसे होगा, ये मुख्तलिफ तरह के सॉल्ट मिक्सचर्स हैं उन्हें बताए हुए हैं। केमिकल्स कह लें या सॉल्ट कह लें मुझे पता नहीं, मैं तो सी वाटर मिक्सचर है तो मैं सॉल्ट ही कहूँगा। बबल्स बबल्स, यहाँ पे कोई था नहीं और जो है पता नहीं, हैंड सैनिटाइज करना पड़ता है पानी में हाथ डाल के, स्टिल वाटर था तो इसलिए जो है ने अवॉइड किया। ये सामने आपको दूसरी गिफ्ट शॉप नजर आ रही है, लेकिन वर्थ द विजिट है। बच्चों के साथ जो है ना, ये ऐसी जगह है कि आप जो है 2-3-4 घंटा आराम से अच्छा गुजार सकते हैं। फन एक्टिविटी है, लर्निंग के ऑप्शंस हैं, मछलियाँ मुख्तलिफ तरह की हिस्ट्री इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। नहीं आपको क्विक टूर, ये सेकंड गिफ्ट शॉप का कराते हैं, मगर अब चलने का टाइम है, यहाँ से थकन हो गई है। 3 घंटा लगा है हमको सारे में घूमने में, काफ़ी बड़ा है। चलें जी एग्जिट आ गई, मिलते हैं। सब्सक्राइब शेयर लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।